हम कर रहे थे फ्रेमिंग किचन यानी कि प्रश्न बनाना, सीख गए होंगे आप उत्तर से प्रश्न कैसे बनाया जाता है। उत्तर से प्रश्न बनाना सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। आंसर अपने को दिया हो आंसर है देयर आर सेवन डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो प्रश्न पूछने वाले ने क्या पूछा होगा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो आंसर आ गया 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तब आंसर आया 7 दिन होते हैं, ये आंसर हो गया 7 डेज। ठीक है, कितने संख्या पूछे तो हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, मात्रा पूछे तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, संख्या पूछे तो हाउ मैनी, मात्रा पूछे तो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बनाना है तो हम कहेंगे हाउ मैनी से बनाएंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी में ये याद रखना है कि किसकी संख्या पूछ रहा है उसको लिखना है। जैसे हाउ मैनी यहाँ दिन की संख्या पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है, दिन की संख्या पूछ रहा है, तो उसमें हाउ मैनी के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जिसकी संख्या पूछे उसको पहले लिखते हैं हाउ मैनी डेज। समझ में आ गई बात, हाउ मैनी और हाउ मच के बाद जिसकी संख्या या जिसकी मात्रा की बात करें उसको यहाँ लगाना है। अब आप हेल्पिंग वर्ब देख लो, आगे क्या आ रही है, आर आ रही है, आर से पहले सब्जेक्ट है देयर, हाउ मैनी डेज आर देयर, अब किस में, ए वीक यानी सप्ताह में, तो ये भी आएगा वापस इन ए वीक, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो उत्तर आ गया, ये आंसर छोड़ दिया हमने 7 डेज, इसको हमने नहीं लिखा, बाकी सारा क्रम से व्यवस्थित लिख दिया। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सेम चीज है, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो प्रश्न पूछेगा कितने विद्यार्थी है तुम्हारी कक्षा में, यानी विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है कि तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो आंसर आ गया 40 स्टूडेंट। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो संख्या पूछ रहा है कितने हैं, तो हाउ मैनी, ये इसलिए कराया है कि आपने यहाँ पर डेज लिखा तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी किसकी संख्या पूछ रहा है, तो 40 के साथ जो लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो संख्या स्टूडेंट की पूछ रहा है, और हाउ मैनी के बाद जिसकी संख्या पूछे उसको पहले लाते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। आगे चले जाओ आर हेल्पिंग वर्ब, आगे हाउ मैनी में यही ध्यान रखना है, जिसकी संख्या पूछे उसको लिखना है, दे आर इन माई क्लास, पीछे वाला उतार दो, मेरी कक्षा में, इन माई नहीं, माई योर में बदल जाएगा, इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आंसर आ गया देयर आर 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थी है मेरी कक्षा में, 40 विद्यार्थी है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, आई प्ले फॉर 2 आवर्स डेली, रोज मैं 2 घंटे क्या करता हूँ, खेलता हूँ, ये मैं रोज 2 घंटे खेलता हूँ ये बताना है। अब मान लो हाउ सही चले तो हाउ लॉन्ग आता है समय के लिए, कितने समय से, हाउ लॉन्ग,
ठीक है ना, प्रश्न बनता है हाउ लॉन्ग। आई प्ले फॉर टू आवर्स, मैं दो घंटे से खेलता हूँ, तो प्रश्न पूछ रहा है तुम कितने घंटे से रोज खेलते हो, कितने समय, तुम कितने समय तक रोज क्या करते हो, खेलते हो, ये ध्यान रखना है, कितने समय तक क्या करते हो, खेलते हो, तो बनाना है, ये कह रहा है हाउ लॉन्ग से, तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आ गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढो कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है कौन है, प्ले। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब देखते हैं फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट हो तो डू डज लगता है, सेकंड हो तो डिड लगता है, वही नियम है ध्यान रखने वाला। तो यहाँ प्ले फर्स्ट फॉर्म है और आई के साथ और यू के साथ डू का प्रयोग होता है, हाउ लॉन्ग डू यू, आई बदल गया यू में। अब आ गया प्ले और डेली, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले डेली, तुम कितने समय तक रोज खेलते हो, तो इसका आंसर आ गया ये टू आवर्स। ये आंसर हमने छोड़ दिया, बाकी हमने लिख दिया कि आई प्ले फॉर टू आवर्स डेली, मैं दो घंटे रोज खेलता हूँ, प्रश्न बन गया हाउ लॉन्ग डू यू प्ले। डू क्यों आया, क्योंकि वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज लगाते हैं एक वचन और बहुवचन को देखते हुए, इसलिए हमने इसको प्रयोग किया है। आगे देखें, जैसे दिस पेन कॉस्ट्स 5 रुपीज, इस पेन की लागत 5 रुपये है, तो हम पूछ कहेंगे जब क्या कहेंगे, कितनी लागत है, कितनी संख्या में नहीं आता है, मात्रा में आता है, हाउ मच, हाउ मच आ गया। अब समस्या वही आ गई कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोस्ट दिया हुआ है, तो कोस्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड को देखना है, कोस्ट के साथ एस आई एस लगा हुआ है, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जहाँ एस आई एस हो तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म एस आई एस लग रहा है, तो डू डज का प्रयोग करना है, पेन सिंगुलर है इसलिए डज लग जाएगा, हाउ मच डज। आगे चले गए, दिस पेन कोस्ट, कितनी कोस्ट है इस पेन की, तो आंसर आ गया 5 रुपीज, आंसर छोड़ दिया हमने। तो इस प्रकार प्रश्न बनाना सरल है, बहुत सारे वाक्य मैंने इसलिए करा दिए ताकि आप अभ्यास कर सकें प्रश्न को बनाने का।